रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा में ये बताया गया है कि अगर मान लो आपके पास जैसे एक क्यूब है, एक क्यूब सॉलिड क्यूब है जिसकी लेंथ एल है, आपने उसको एक्सपैंड किया, उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी उसका एरिया भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो एक्चुअल में तो कभी कभी तीनों चीज़ें इकट्ठी इंक्रीज हो सकती हैं, तो तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो यानी कि तीनों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो क्या रिलेशन होगा किसी भी एक्सपेंशन में अल्फा बीटा गामा का, ये एक्सप्रेशन है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने इमेजिन किया हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब क्यूब की लेंथ क्या है, एल है। आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, क्यूब की लेंथ कितनी होगी, एल डैश हो गई। तो जब आपकी लेंथ एल थी तो क्यूब का वॉल्यूम क्या था, एल क्यूब था ओरिजिनल। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया बाय डेल्टा टी तो लेंथ क्या हो गई, एल डैश। एल डैश का फॉर्मूला क्या करवाया, एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी करवाया, पुट कर दिया, लेंथ वाइज एक्सपेंशन हुई। नया वॉल्यूम क्या होगा, वी डैश, एल डैश का क्यूब, नया वॉल्यूम एल डैश का क्यूब, पुराना वॉल्यूम एल का क्यूब, नया वॉल्यूम एल डैश का क्यूब। एल डैश की वैल्यू को, पूरी की पूरी वैल्यू को यहां पे पुट किया तो ये टर्म आ गई, ये स्टेप क्लियर है। इसे ओपन किया, एल क्यूब और इस ब्रैकेट का होल क्यूब, ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, जो कि क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, पूरा एक्सपेंड कर दिया। और फिर इसको भी ओपन कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, थ्री एल्फा इंटू डेल्टा टी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, थ्री एल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी स्क्वायर, पूरा एक्सपेंड करके ये टर्म आ गई। क्लियर है यहां तक, मैथ्स है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब एल्फा जो होते हैं ना, एल्फा बीटा गामा, ये बहुत बड़े नहीं होते। एल्फा अगर बड़ा हो गया ना तो आपकी वायर की लेंथ टेम्परेचर इंक्रीज करने से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंड हो जाएगी। सोचो आपने 4 मीटर की वायर ली, धूप में रखी, शाम को उठाया 5 मीटर वायर निकली, एल्फा बड़ा था, ऐसा होता कभी नहीं होता, एल्फा बहुत छोटा है, 0.001, इतना छोटा कि आपको नज़र भी नहीं आता कि वायर लंबी भी हो गई है, कहाँ नज़र आता है, वायर तो ऐसी रहती है, पर एक्चुअल में उनकी लेंथ चेंज होती है, एल्फा वेरी स्मॉल। तो हम बहुत छोटे वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, तो अगर अल्फा बहुत छोटा है 0.001, तो सोचो अल्फा स्क्वायर क्या होगा, 0.00001, अल्फा क्यूब क्या होगा, 0.00001। इतनी छोटी कैलकुलेशन से करने से अच्छा हम नहीं करें, क्या करना है इतनी छोटी कैलकुलेशन, तो निगलेक्टेड। तो जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में भी गलती से अगर अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब आपको दिख जाए, वहीं निगलेक्ट कर देना, चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम इतनी छोटी कैलकुलेशन पे काम करते ही नहीं, हम डिग्री वन पे काम करते हैं। तो ये निगलेक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या बचा, एल क्यूब इंटू वन एल क्यूब इंटू दिस टर्म, ये बच गया। एल क्यूब क्या है, पुराना वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम वी, तो यहां से वी डैश माइनस वी की ये टर्म आ गई। तो आपने क्या किया, चेंज इन वॉल्यूम निकाल दिया, क्लियर हो गया। अब लेकिन किसी ने कहा सर इतना लंबा करने की जरूरत क्या थी, मैंने कहा वो क्योंकि तो आपने खुद तो फॉर्मूला लिखवाया गामा की टर्म में, वी डैश इज वी इंटू वन गामा इंटू डेल्टा टी, ऐसे कर लेते, हाँ तो सही है। पर मैंने जो इसलिए लंबा किया क्योंकि मैं अल्फा के रास्ते से आ रहा हूँ, लेंथ इंक्रीज करने के रास्ते से आ रहा हूँ, और अगर गामा से करना है डायरेक्ट फॉर्मूला, इसे ओपन कर लें, वी को मल्टीप्लाई किया, वी डैश माइनस वी इसके टर्म इक्वल आ गया। तो एक बार वी डैश माइनस वी अल्फा के रास्ते से निकाला, एक बार गामा के रास्ते से निकाला, बात तो एक ही है, दोनों को इक्वेट कर दिया, वी डेल्टा टी कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई थ्री रिलेशन आ गया। सिमिलरली लिख दिया उसके बाद, सिमिलरली करना नहीं है भाई द्वारा से, एरिया के साथ भी काम किया जा सकता है क्योंकि जो एरिया है इसका वो एल स्क्वायर के इक्वल होगा एक साइड का, तो वहां से अगर सॉल्व किया जाए तो बीटा क्या आएगा, टू एल्फा, लिखना है स्कूल में ऐसे लिख देना, तो एल्फा क्या आएगा, बीटा बाई टू। अब एल्फा गामा बाई थ्री के इक्वल भी है, एल्फा बीटा बाई टू के इक्वल भी है, तो एल्फा बाई वन इज बीटा बाई टू इज गामा बाई थ्री, स्टैंडर्ड रिलेशन है। किसी भी न्यूमेरिकल में आपको जैसे क्वेश्चन देगा लेंथ वाइज एक्सपेंशन है, देना चाहिए था अल्फा, देगा गामा, गामा देगा तो आप पहले थ्री से डिवाइड करके क्या निकालेंगे उसका, अल्फा, ऐसी गड़बड़ करेगा। क्वेश्चन देगा वॉल्यूम वाइज, आपको चाहिए होगा गामा, वो आपको क्या देगा, अल्फा, तो कोई बात नहीं, अल्फा देगा तो गामा इज थ्री इंटू अल्फा से गामा निकलेगा। ये रिलेशन फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर दो, और ये एनसीईआरटी के अंदर आपकी स्कूल के अंदर डेरिवेशन आ सकती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, अल्फा बीटा गामा का रिजल्ट क्लियर है।